नमस्कार दोस्तों, बीसीडी टेक के इस भाग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आइए देखते हैं कि आपका यहाँ पर एयरटेल 145 रुपए के रिचार्ज में आपको क्या क्या देते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना जो मेन बेसिक एयरटेल नंबर है उस पर चेक करता हूँ। तो यहाँ पर बेस्ट ऑफर देख लेते हैं और देख लीजिए बेस्ट ऑफर में आपको क्या मिल रहा है। तो यहाँ पर 145 का रिचार्ज 549 रुपीज में मिल रहा है दोस्तों। तो ये सिर्फ यहाँ पर मेरे इसी नंबर के ऊपर है और मेरे दूसरे नंबर के ऊपर आपको 145 का रिचार्ज मिलेगा। बट यहाँ पर एग्जैक्टली जो मेरा यहाँ पर प्राइम नंबर है जिसको मैं यहाँ पर मैं एयरटेल पर रेगुलर यूज़ करता हूँ, और इवन अगर आप यहाँ पर देखोगे भी तो यहाँ पर मेरे पास जो डाटा है करीबन 4.5 GB बचा हुआ है। तो यहाँ पर क्या है ये, आइए अब दूसरे नंबर को चेक कर लेते हैं। ये दूसरा नंबर है मेरे पास और यहाँ पर मैं डाटा बैलेंस चेक कर लेते हैं। तो डाटा बैलेंस मेरे पास है नहीं, तो यहाँ पर मैं डाटा बैलेंस को खरीदने की कोशिश करता हूँ और चलता हूँ बेस्ट ऑफर में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बिल्कुल वही सेम प्लान मेरे को 145 का मिल जा रहा है। क्या है ये, आइए पीछे मुड़ते हैं। एक और नंबर है मेरे पास एयरटेल का, उस नंबर को चेक कर लेते हैं। तो उस नंबर में चेक करते हैं और अकाउंट बैलेंस तो कुछ नहीं है। ब्राउज प्लान और फिर देखोगे 145 का प्लान, जबकि यहाँ पर दोस्तों जो मेरा प्राइम नंबर है जिसको यहाँ पर मैं रेगुलर यूज़ करता हूँ और इसको मैं काफ़ी यहाँ पर रिचार्ज भी करता रहता हूँ, अगर उसमें देखोगे तो यहाँ पर आप देखोगे बैलेंस ऑल्दो कम है, ब्राउज प्लान करता हूँ तो वही सेम प्लान मुझे 549 का मिल रहा है। तो यहाँ पर एयरटेल हर किसी को आपको वही प्लान नहीं बांट रही है। यहाँ पर देख सकते हो कि प्लान अलग अलग है और इनका जो कॉस्ट है वो भी अलग अलग है। तो यहाँ पर मुझे 549 का ये प्लान मिलता है जिसके अंदर मैं यहाँ पर कितना देख लीजिए 14 GB तक का डाटा फ्री मिलेगा, जो कि हमें मिलेगा 0.5 GB पर डे के हिसाब से। वैलिडिटी रहेगी 28 डेज की और दोस्तों कुछ नहीं है। बड़ा वाला जो प्लान बताया जा रहा था 349 का, वो तो दिख ही नहीं रहा इस पूरी लाइन में। आइए दूसरे नंबर पर देख लेते हैं। तो दूसरे नंबर पर मैं देखने जा रहा हूँ, इस वाले नंबर पर चेक कर लेते हैं ब्राउज प्लान। तो इसमें देख सकते हो कि 145 का वही सेम प्लान है, 349 का तो प्लान आ ही नहीं रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों कुछ ना कुछ तो यहाँ पर गड़बड़ है और मुझे मेरे प्राइम नंबर को जो कि यहाँ पर मैं रेगुलर यूज़ करता हूँ उसके ऊपर तो ये 145 वाला तो दे ही नहीं रहा है। इसका मतलब कि मुझे अपने इस नंबर को भी यहाँ पर रिचार्ज करना पड़ेगा और फिर देखेंगे कि एग्जैक्टली क्या मिल रहा है और क्या नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर अभी करंटली मेरा ये वाला नंबर तो एक्टिवेट नहीं है, मेरा दूसरा नंबर एक्टिवेट है। तो आइए उस पर मैं एक रिचार्ज करता हूँ और देखते हैं कि एग्जैक्टली मुझे क्या मिलने वाला है। तो अकाउंट बैलेंस चेक कर लेते हैं और रिचार्ज नाउ करते हैं, ब्राउज प्लान पे चलते हैं और ये वाला प्लान से हम इसको रिचार्ज करते हैं। तो करंटली 145 का रिचार्ज करना है, रिचार्ज हो चुका है। तो देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने 145 रुपीज़ का रिचार्ज किया है, डन कर लेते हैं और अब देखते हैं कि दोस्तों इसमें मुझे क्या मिलता है। तो यहाँ पर डाटा बैलेंस चेक करते हैं तो देख सकते हो कि करंटली मुझे 300 MB ही डाटा मिला हुआ है और फिलहाल 0.5 GB पर डे के हिसाब से तो कुछ नहीं बताया जा रहा है। बट देखते हैं कि क्लेम योर फ्री डाटा यहाँ पर लिखा जा रहा है तो ये तो कुछ और है। तो यहाँ पर 145 का एग्जिट रिचार्ज करने के बाद मुझे क्या मिला, 300 MB और इसकी वैलिडिटी कितनी रहेगी 30/3/2017 तक की। तो यहाँ पर डे वाला दोस्तों बताया जा रहा है कि आपको ये ऑफ़र मिलेगी, तो फिलहाल ये ऑफ़र तो मुझे यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। देख लीजिए कोई भी ऐसी ऑफ़र मुझे यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। अकाउंट बैलेंस में चेक कर लेते हैं तो यहाँ पर भी कुछ नहीं मिल रहा। ब्राउज प्लान में देख लेते हैं, अभी भी वो प्लान दिखा रहा है कि इसमें आपको 0.5 GB पर डे के हिसाब से 28 दिन तक का डाटा मिलेगा। तो दोस्तों कर तो दिया है, आइए देखते हैं अब एग्जैक्ट नंबर को। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 145 का जो रिचार्ज है वो हो चुका है और मैसेज में क्या बताया जा रहा है कि कॉन्ग्रेचुलेशन, बेनिफिट ऑफ 145 डेट इज़ इक्वल टू फ्री एयरटेल मोबाइल कॉल्स प्लस 0.5 GB पर डे 3G 4G डाटा फॉर 28 डेज क्रेडिटेड टू योर अकाउंट, डायल *121#2# फॉर बैलेंस। तो आइए चेक कर लेते हैं इस चीज़ को भी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो डाटा बैलेंस बताया जा रहा है, ए दो बैलेंस है मेरे पास, एक में मेरे को मिला है 250 MB जिसकी वैलिडिटी है आपकी 30/3/17 तक, और बी है जिसकी आप देख सकते हो कि यहाँ पर बैलेंस है 50 MB और वैलिडिटी है आपकी 30/3। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मुझे जो बेनिफिट बताया जा रहा था उसको चेक करने का यहाँ पर कोई तरीका तो है नहीं। मे भी हो सकता है कि बहुत जल्दी ये अपडेट हो जाए, बट यहाँ पर करंटली कोई पता नहीं कैसे और ये कब अपडेट होगा। और दोस्तों अभी रिसेंटली मुझे एक और मैसेज रिसीव हुआ है, तो इसके हिसाब से मुझे फ्री लोकल STD एयरटेल टू एयरटेल कॉल मिल जा रही है, 50 MB का 3G डाटा पर 4G 28 दिन के लिए मिल रहा है, 4G हैंडसेट ओनली गेट 300 MB डाटा।
तो फिलहाल मुझे यही मिला है। तो यहाँ पर दोस्तों कुछ ना कुछ तो लोचा है, और करंटली मे भी हो सकता है कि एक या दो दिन के अंदर या 48 घंटे के अंदर ये शायद जो मेरा रिचार्ज ये हो जाए। करंटली आपने देख लिया कि यहाँ पर मेरे को एयरटेल के एक नंबर के ऊपर ऑफर नहीं मिल रही है, रिमेनिंग दो नंबर पर मेरे को ऑफर मिल रही है। और दूसरी बात यहाँ पर करके कि एयरटेल दोस्तों आपको करंटली अगर आप रिचार्ज करते हो तो सिर्फ आपको यहाँ पर 300 MB ही डेटा देगा। आपका जो रिचार्ज पैकेज है 0.5 GB पर डे वाला दोस्तों वो फिलहाल अभी तुरंत एक्टिवेट नहीं होगा। मैं आपको जल्दी बता दूंगा कि मेरा जो रिचार्ज है कब यहाँ पर कंप्लीट हुआ है, मतलब कब यहाँ पर एक्टिवेट हुआ। तो इसी के साथ मैं अब इस वीडियो एपिसोड को यहीं पर समाप्त करने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर दोस्तों पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। सब्सक्रिप्शन लिंक आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और मेरी आगे नाली इसी टाइप की वीडियोस को अगर मिस नहीं करना चाहते दोस्तों एक नोटिफिकेशन बेल रखी होगी उसको भी टैप करके जाना। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।